हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ फ्लिपकार्ट का इंस्टॉलेशन का वीडियो लेके, क्योंकि मुझे मैसेज काफी आ चुका है डिस्कॉर्ड पे एरर का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको सेटअप कैसे करना है। देखिए, मैं पहले सोर्स कोड डाउनलोड करूंगा यहाँ से। आप में PHP 8.1 इंस्टॉल होना चाहिए पहली बात, लेटेस्ट वर्जन, कंपोजर का भी लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो मैं पहले फाइल को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, क्या कहते हैं, डेस्कटॉप पे। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा इसको, एक्सट्रैक्ट हियर करूँगा, उसके बाद से पासवर्ड एंटर करूँगा, हमारा हो गया एक्सट्रैक्ट, राइट। अब मैं इसको पहले तो रीनेम करूँगा, जो स्पेस से हटा दूंगा अपनी स्टार्ट, ठीक। अब मैं इसमें ओपन करता हूँ वीएस कोड, सॉरी वीएस कोड को, वीएस कोड में ये ओपन करता हूँ गाइस। ये हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूँगा, डॉट एन वी फाइल बनाऊंगा। इसमें डॉट एन वी है, रेसिपी सारे सीक्रेट्स की हैं, तो मैं इसको सेव एज कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एस एंड डॉट एन वी से सेव कर दूंगा, डॉट ई एन वी एंटर कर दूंगा। देखो डॉट ई एन वी बन गया, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डाटाबेस का नाम है YT, इसमें मैं कॉन्फिगर नहीं करना है, ये सारी चीजें हैं जरूरत नहीं है, तो मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो हमें पहले तो एन पी एम आई करना पड़ेगा, एन पी एम आई क्या है, एन पी एम आई ये कर देंगे, हमारा ये नोड जेस का मॉड्यूल जो भी इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि पैकेज डॉट जेसन में है। अब मैं क्या करूँ, एक और टर्मिनल ओपन करूँगा और वहाँ पे मैं कंपोजर अपडेट कर रहा, कंपोजर अपडेट रन करूँगा, अपडेट एंड एंटर, और वेट करता हूँ दोनों के अपडेट होने का। देखो गाइस, दोनों स्टार्ट हो गया अपडेट होना और इंस्टॉल होना, तो वेट करते हैं, देखते हैं कौन पहले हो जाता है। और जब तक ये हो रहा है, तब तक आप आराम से जाओ, कॉफ़ी पी के आओ, और बीच में सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और क्या शेयर भी करो यार, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो ना। वेट करते हैं, देखते हैं। तो गाइस देखो, मेरा npm का तो हो गया है, तो मैं यहाँ पे एक और कमांड चला दूंगा, npm run build, ताकि हमारा css कंपाइल हो जाए। और तब तक देखते हैं कंपोजर का, ये भी हो चुका है, ऑप्टिमाइज जनरेट हो रहा है ऑटो लोड। और देखो गाइस, मैंने ऑलरेडी जो पहले हम लोगों ने टेबल बनाया था yt, क्या yt नाम है, yt फिनिक्स कार्ड, तो ये मैं रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि देखो मैंने डिलीट किया नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब कमांड चलाऊंगा तो PHP आर्टिशन माइग्रेट कॉलन फ्रेश हाइफन एफ एन सी, और ये भी आपका फ्रेश रहेगा, आपका टेबल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको क्या चलाना है, PHP आर्टिशन माइग्रेट हाइफन एफ एन सी, और यदि लारावेल 10 यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक डाटाबेस में पूछ लेगा कि आपको डाटाबेस क्रिएट करना है कि नहीं करना है, यदि करना है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो, तो यस कर दो, मेरे में ये ऑप्शन नहीं आएगा। देखता हूँ ये हुआ, ये भी हो गया, तो मैं यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करता हूँ, PHP टाइप नहीं, आर्टिशन सर्व, और ये इसके स्टार्ट होने का वेट करते हैं। सॉरी गाइस, मुझे सर्वर नहीं स्टार्ट करना है, पहले तो PHP आर्टिशन माइग्रेट कॉलन फ्रेश हाइफन हाइफन सीट एंड एंटर, ताकि लेटेस्ट वैल्यू हमारी एंटर हो जाए। ठीक है, मैंने उसी से इंस्टॉल किया है जिस कोड का आप लोग को मैंने दिया है, डाउनलोड करके वहीं से किया, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने जो कोड दिया वो वर्क नहीं कर रहा है और इनका कोड वर्क कर रहा है,
यदि देखो कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डाटाबेस पीएचपी में एडमिन से डाटाबेस क्रिएट करो। मान लो हो सकता है आप में ऑप्शन ना देता हो यू लाइक टू क्रिएट डाटाबेस, तो आप पीएचपी में एडमिन से डाटाबेस क्रिएट कर लो। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एरर आया है, देखते हैं। अननोन कॉलम फील्ड फाउंड। अच्छा देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। मैं बताता हूँ, यूजर सीडर, या तो एक काम करना पड़ेगा। मैं ये एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कौन सा वर्जन यूज किया था। यहाँ पे क्या हुआ है, इस चीटर की प्रॉब्लम है, दिखाता हूँ। ये जो सीटर है ना, यहाँ पे अब हो गया है यूजर और हम लोगों में है फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, राइट। तो मैं क्या करूँगा, हमें बस चीट करने से मतलब है, और सारा तो हमारा कोड इस पे चलेगा, राइट। चलो जी बढ़िया, तो मैं क्या ये चलता हूँ, डी वेंडर डी डी फॉर यू डी पैनल देन SRC देन डाटाबेस सीडर यूजर सीडर। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट नेम ऐसे है, इसको अब फिर मैं अपना ये सारे को हाइड कर लेता हूँ एंड देन चलता हूँ डाटाबेस नॉर्मल डाटाबेस माइग्रेशन, या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया कंप्लीट, तो मैं क्लोज कर देता हूँ और इस वाले को छोड़ देता हूँ। ये देखो ये जो है ना, कहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे यूजर्स नाम के टेबल है। अब देखो हमारे यूजर्स वाले टेबल में क्या क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अवतार, और हम सीड क्या कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं करूँगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा, लाइक दिस सेव करूंगा एंड देन अगेन PHP आर्टिसन माइग्रेट आगे सीडी रन कर। ओ माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही कमांड मैंने और आगे कर दिया। चलो कोई नहीं, मेरा लैपटॉप ऊपर हैंग कर रहा है। मैं एंटर करता हूँ और इस सॉफ्टवेयर को मैं करूंगा क्लोज। आई थिंक इस बार सही चलेगा, क्योंकि देखो हमने अपडेट कर दिया है। जब मैंने अपडेट किया तो ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, तो आपको यहाँ पे आके ये चीज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन की तरह से है, और जो हमारा यूजर्स का टेबल है ये उसके प्रीवियस वर्जन की तरह है। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई है फर्स्ट नेम लास्ट नेम में। चलो मेरा सक्सेसफुली सीड हो गया ना, अब मैं PHP आर्टिशन सर्व करता हूँ और देखता हूँ। URL नहीं टाइप करो, लोकल होस्ट कॉलन 8000/cPanel, एंटर करता हूँ, ये आ गया। मैं पहले यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, देखो गाइस मैंने लॉग इन किया तो ये एरर आया, राइट। अब ये एरर क्यों आ रहा है मैं दिखाता हूँ। जबकि हमारा एडमिन पैनल अपडेट हो चुका है, अपडेट नहीं जो लाइब्रेरी है वो अपडेट हो चुकी है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। लाइक देश देखो यहाँ पे जो हमारा इनम है ना, इनम का क्लास यहाँ पे यूजर रोल है, बट इसका एक फंक्शन ऐड करना होगा। मैं चलता हूँ यहाँ पे वेंडर डी फॉर यू डी पैनल सी सॉरी SRC एंड इनम्स, ये कह रहा है यूजर रोल डॉट PHP स्टब। यहाँ पे है गेट रोल को कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड सेव करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, आई होप रन हो जाए, अभी भी दिक्कत दे रहा है। चलो कोई नहीं, मैं चेक करता हूँ और क्या हमें, देखिए और हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर टेबल सॉरी यूजर जो मॉडल है यहाँ पर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है कि मैं क्या करूँगा, फिर वेंडर पे चलूंगा, DD पर यू पे चलूंगा, डी पैनल पे चलूंगा, SRC मॉडल्स एंड स्टफ।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैश रोल मैंने इंपोर्ट किया है ना, कॉपी करूंगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और फिर ये लाइन भी कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद से मैं क्या करूंगा, ये लाइन भी कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और भी कुछ है यहाँ पे? तो कुछ नहीं है आई थिंक। अब हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है, हैसलो ये ऑटोमेटिक हमारा। मैं कमेंट कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी एरर आ रहा है। मैं काम करता हूँ, पहले ये कर लेता हूँ PHP आर्टिशियन ऑप्टिमाइज क्लियर, और फिर मैं देखता हूँ हो सकता हो इसके वजह से ना आ रहा हो। ओपन होगा तो फिर से और देखेंगे कि कहाँ पे दिक्कत है। अच्छा चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो एसी को हमें यहाँ पे और करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर रोल तो डिफाइन किया है लेकिन स्टेटस नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज कॉपी करूंगा और यहाँ पे कॉस्ट कर दूंगा। यहाँ पे एंटर करके पेस्ट, एंड क्या करूंगा, यूजर रोल इंपोर्ट कर लूंगा टॉप पे, आ गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता हो इसी दिक्कत की वजह से ना आ रहा हो। देखो वहां तो आ गया, दिक्कत कहीं और आ गया। इन एरे और गो एंड राइट, यहाँ पे दिक्कत जानते हो क्या है, बताता हूँ। मैं इसको क्लोज करूंगा, इसको भी क्लोज करूंगा। ये आप जाओगे यहाँ पे कॉन्फिग फाइल मिलेगा, कॉन्सोल स्टफ कॉन्फिग, यहाँ पे मैं ये चीज कॉपी करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे जो आपके प्रोजेक्ट का कॉन्फिग है, डी पैनल कॉन्फिग, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। या तो आप वो कर लो तो कुछ फाइलें ज्यादा रिप्लेस हो जाएंगे। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, आई होप चल जाए। नहीं चला, एक बार और मैं करता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा। अच्छा ये दूसरी जगह पे है, ये देखो ये कहाँ पे है। हमें ये चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड कंट्रोलर राइट। चलता हूँ डैशबोर्ड कंट्रोलर पे, ये पुराना है ना, इससे वजह से अब ये लाइन हमें नहीं ऐड करने की जरूरत है। ये ऑटोमेटिक बैकएंड से ही, ये क्या कहते हैं, वहां से ही वेरीफाई हो जाएगा, तो हमें कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे खत्म, और कहीं मैंने ऐड तो नहीं किया है, आई थिंक नहीं। चलो कोई नहीं, रिप्लेस करता हूँ तो देखता हूँ। देखो फाइनली हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया गाइस, हो गया। देख अब हो गया, मैंने पहले बोल दिया है क्योंकि वहां पे मैंने देख लिया, यहाँ पे टाइटल दिख गया तो मैं पता चल गया कि डैशबोर्ड ओपन होगा ही होगा। मैं बैनर पे क्लिक करता हूँ, सारे पेजेज एक बार ओपन करके देख लेता हूँ ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारे नहीं करूँगा, दो तीन करूँगा। देखो ये भी हो रहा है, ब्रांड्स भी हो रहा है, परफेक्ट। तो अब मैं लॉग आउट करके अब आता हूँ फ्रंट एंड पे कि देखें फ्रंट एंड खुलता है कि नहीं खुलता है, ये भी तो देखना पड़ेगा। चलो जी बढ़िया, यहाँ पे मैं आ गया और एंटर किया। देखो फ्रंट एंड मेरा खुल गया, मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा और फेक डाटा फिल करके रजिस्टर पे करूंगा। मेरा हैंग कर गया यार, देखिए रजिस्टर्ड भी हो गया। देखो यहाँ पे मेरा रिफ्रेश हुआ है, अब मेरा अकाउंट खुल गया, देखो रजिस्टर हो गया। बस फिक्स सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया है फिनिक्स कार्ड को, आप ऐसे ही फॉलो करके इंस्टॉल कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।